गाइस आज अपन हाइड्रोलिक ब्रेक्स और क्लायरोलिक क्लच बिटाने वाला हूँ। कौन सा गाड़ी में? R15 में। ये देख लीजिए पूरा किट इधर पड़ा है। एक हाइड्रोलिक ब्रम्बो का पूरा किट लेके आया हूँ कस्टमर ने। देखिए उसका पाइप है और प्लस उसका सिलेंडर किट है। इसके अंदर क्या क्या आ जाते देखते हैं। दोनों साइड का टैंक है इसमें, ओके, और उसका छोटा पाइप किट और ब्रैकेट क्लिप्स और नट बोल्ट्स है। ये देख लीजिए ये अपना राइट साइड वाला पूरा लीवर सेट है। ये लेफ्ट साइड वाला लीवर सेट है। ये अपना क्लच के उधर का सिलेंडर बोलते हैं उसको, ओके। अभी पहले अपन गाड़ी का क्लच का केबल निकाल देगा। क्लच का केबल निकाल के इसका लेंथ कितना है, पाइप का लेंथ कितना है वो चेक कर देगा, ओके। ऐसा अभी क्लच केबल निकाल दिया, ओके, और पाइप का लंबा में अपन चेक कर देगा अभी। भाई जितना से ज़्यादा है चलेगा, ज़्यादा लंबा रहेगा तो इसको फोल्ड करके रखना पड़ता है। फिर एक अंदर चेक किया हूँ, अभी इसके बाद में अभी हम लोग इधर क्लच के लीवर है ना पूरा सेट कर देगा। पहले लीवर देख लीजिए इस तरीके से लीवर आ जाता है। अभी इधर अपन पूरा क्लच का हाइड्रोलिक लीवर बिठाने वाला है। अभी देखिए 5 की एलेंगी है, 5 की एलेंगी से अपन देखो ये साइड के निकाल दिया हूँ। ग्रिप कवर निकाल दिया। अब इधर टायर का स्क्रू ड्राइवर है। स्विच का दोनों स्टार निकाल के स्विच निकल गया। ऐसा इधर क्लच स्विच का वायर रहेगा, सॉकेट रहेगा, वो भी निकाल दिया। उसके बाद में लीवर के इधर का 10 का बोल्ट लूज करना है। पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, कल लूज करने का। पहले का पूरा लीवर और यॉक का सेट है, क्लच स्विच इधर आ जाता है। वो लीवर में भी दूसरे तरीके से क्लच लीवर का पूरा क्लच स्विच सब आ जाएगा। ये अपने लेफ्ट साइड का सेट है। इसको दो एलेंगी इस तरीके से खोल दिया। अभी तक इसका पाइप बिठा दिया अपन,
देखो ये हाइड्रोलिक ऑयल जाने के लिए पाइप इधर से कनेक्ट कर दिया, देखो नीचे तक आ गया हूँ। अभी इधर नीचे वाला ये पंप बिठाने वाला है, ये पंप के थ्रू है अपना इंजन का क्लच का लीवर को ये ऑपरेटिंग कर देगा। ओके अभी देखो ये सब अपना जिधर कंपनी फिटेड केबल बैठ जाते हैं उधर ही बैठ जाएगा। देखो इस तरीके में अभी इधर एक एंड जगह में एक नट भी आ जाएगा। ठीक है अभी क्लच लीवर में नीचे का इंजन लीवर में देखो अपन क्लच के भी ऐसा बिठा दिया हाइड्रोलिक का पंप का, और ये नट अभी टाइट कर सकते हो। इस तरीके में बैठ गया। अभी इसका इधर पाइप अपन कनेक्ट कर देगा। ठीक है देखो पूरा पाइप बिठा चुका है, देख लीजिए पाइप और पाइप का कनेक्शन भी दे दिया इधर, और पूरा टाइट कर दिया। देखो इंजन का ऊपर अपना ब्रैकेट में उसका वो भी कर दिया। ओके अभी ऊपर का रिजर्व टैंक बिठाने वाला है। ये देखो रिजर्व टैंक इधर पड़ा है, एक रिजर्व टैंक है, इसका मैक्सिमम मिनिमम लेवल सब दिखाया है, और उसका पाइप उसका एक लॉक आ जाता है, प्लस इसका ब्रैकेट है। ओके इतना सामान अभी बिठाएगा। अभी देखो हो गया अपना रिजर्व टैंक बिठा दिया। रिजर्व टैंक के लिए देखो इधर एक ब्रैकेट आ जाएगा, इस तरीका का ब्रैकेट है। ठीक है और देखो इधर टैंक बिठाने के पहले एक स्टड भी रहता है, देखो इस तरीके का। ये अभी ए साइड में अपना ब्रेक के साइड में बिठाने के लिए बाकी है। ठीक है और इधर पाइप है, पाइप आ गया, इसमें पाइप का लॉक आ गया, और एक ऑयल के अभी अपन ऑयल भर देगा। ऑयल इसमें डॉट फोर का ऑयल भर रहा हूँ। अपन के बी एक्स का डॉट फोर का ऑयल बिठा रहे, ये अपना चोकरू है। मामा चोकरू मंत्र पढ़ के दूसरा दिन आइटम आ गया। ऐसा डॉट फोर ऑयल भर रहा है इसमें। अभी इसमें अपने को पंपिंग करके एयर निकालना रहता है, अपन डिस्क ब्रेक के सब में एयर ब्लीडिंग करता है, इसमें ब्लीडिंग करना पड़ता है। ओके नीचे टाइट और करना पड़ेगा सर। सरप्राइज की चीज है, सरप्राइज हम देख लेगा। देख लीजिए अपना अभी इसके अंदर का बीटिंग कर दिया, एयर बीटिंग कर दिया, इसके अंदर पूरा फुल ऑयल मैक्सिमम लेवल तक ऑयल भर रही, ऑयल भर दिया अपन के वी एक्स का डॉट फोर का ऑयल भर दिया हूँ। और देख लीजिए पकड़ने का टाइम किधर, नीचे कैसे काम कर रहे हो, क्लच पकड़ रहे हो। ओके ऐसे इधर अपना हाइड्रोलिक ब्रेक का पूरा फिटिंग पूरा खत्म हो चुका है। देखो इसका टॉप पे है, काम पूरा फिटिंग पूरा खत्म हो गया। ठीक है
एक्चुअली हाइड्रोलिक ब्रश का मेन चीज़ यही है, अपना इसका केबल टूटेगा ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है अभी, खाली इसका ऑयल लेवल में है क्या, बस इतना चेक करना कि इसका मेंटेनेंस बोलो तो इसका ऑयल लीकेज और ऑयल बस इतना ही है। और ब्रांडर जिसका इसका अंदर का मास्टर सिलेंडर का अंदर का किट कुछ ख़राब नहीं होता। अभी हमने को ये दोनों बोल्ट निकाल के अपन जना वाला मास्टर सिलेंडर बाहर निकाला है। ये दोनों दोनों एक ही सेम लीवर है, सेम साइड का सेम मैकेनिज्म सब सेम है। और देखो इधर लीवर एडजस्टिंग आ जाता है, इधर फ्रीपल एडजस्टिंग आ जाता है, ठीक है। इतने दोनों सेम है और देखो इस तरीके से इधर बैठ जाएगा। सर पे लेवल हो गया क्या, लेवल हो गया वो सीधा हो गया क्या? हाँ। मैं डाल के देखूंगा। मार्बल नहीं आते मेरे दिल नाटले ഇല്ലടാ മാട എടുത്തത് മൈൻഡ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരണടാ ആ അബ്ബാനെ മാനേ ഡാക്കേ എക് ബാർ ഗും കേ ആ ജാതെ തു ചൽ ദസ് ദിൻ കാ ഇദർ കുച്ച് കാം ദന്ന തോ നഹീ അബി ഇക്കരെ പറയറ ദേ തോ കൂട് വെഷിപ്പി കേടാ। दो तीन चीजें ना देखो, इधर कैप आ गया, इधर इसको कैप नहीं है। तुम्हारी इसका बटन इधर ही लगाने का ना अपना, किसका ये तीनों वाला ना, किसका तीनों वाला हाँ, इसका बटन तो अंदर ही होगा। शायद बैठ जाएगा, देखते ब्रेक बनाता हूँ। अपने गाड़ी का पूरा हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक क्लच पूरा बिठा चुका है, देख लीजिए इस तरीके में आने के लिए लुक भी आ जाएगा। अभी देखो ये ब्रेक का फ्लूइड है, ये इसमें अपना क्लच का फ्लूइड है, क्लच का पहले दिखाया ऐसा सेम है। देखो ब्रेक बिठाने का टाइम ब्रेक में कुछ नहीं है, खाली इसका पाइप इसमें लगाना बस इतना ही काम है, लेकिन क्लच में ऐसा नहीं है। क्लच में क्लच के केबल हटा के देखो ये पाइप पूरा क्लच का केबल जिधर था वो साइड में आ जाएगा, प्लस इसका अपना ये भी आ जाएगा, इधर का देखो पाइप भी आ जाएगा। ओके अभी अपन चला के देखते हैं कैसे है, कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं है मालूम पड़ेगा अभी चलाने का टाइम।